हेलो एंड अ वेरी वॉम वेलकम आई एम योर होस्ट अहाना कुमरा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलेब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में आज हमारे साथ हैं म्यूजिक रागा के फाउंडर रश्मि अग्रवाल रश्मि मैम वेलकम टू आवर शो थैंक यू सो मच मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि म्यूजिक का लगाव आपको कब हुआ और आपने कब ये ठाना कि आप इस पैशन को प्रोफेशन में बदलने वाली हैं म्यूजिक का uh, शुरू से ही कनेक्शन था बट uh, मेरी फील्ड एंटायरली डिफरेंट थी म्यूज़िक से आई एम इन टू स्टडीज़ और एजुकेशन लाइन में थी मैं एक बार एक फैमिली फंक्शन हुआ उसमें आई sang फ्यू lines और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा उनने कहा आप में टैलेंट है यू शुड स्टार्ट सिंगिंग और वहीं से फिर मैंने विशारत किया सेवन ईयर्स का जो कि बड़ी लॉन्ग जर्नी थी देन आई पासड इन टू फ्रॉम गांधार विश्वविद्यालय बॉम्बे सो मेरी गुरु थी आरती एम पाठक जिनने hmm. काफ़ी मुझे मोटिवेट किया एंड शी हेल्प मी अ लॉट तो ऐसे मेरी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई म्यूज़िक रागा की शुरुआत कहाँ से हुई uh, जब मेरी म्यूज़िक जर्नी मैंने शुरू hmm. की और हमने दो एल्बम्स बनाए एंड जस्ट हम लोग जब मार्केट में आए तब हमने देखा कि जब नए सिंगर्स होते हैं उनको जनरली बहुत जल्दी लोग प्रमोट भी नहीं करते और दे दे आर नॉट गेटिंग चांस uh, तो एक दो महीने हमने सोचा पहले हमने कहा कि पहले रिसर्च की जाए कि क्या किया जा सकता है तो फिर हमने उसके बाद एक म्यूज़िक रागा चैनल लॉन्च करने का सोचा एंड वी लॉन्च इट और म्यूजिक रागा डराइवड हुआ म्यूजिक प्लस रागा म्यूजिक इज़ वर्ल्ड एंड रागा इज इंडिया तो हमारा मिशन है कि हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट को इंडियन आर्टिस्ट से जोड़ें hmm. और दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म मिले शोकेस हों लोग साथ में और uh, उसके बाद बहुत सारे टैलेंट ऐसे होते हैं जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता hmm. तो वी वांट टू गिव देम चांस दे कैन शोकेस देयर टैलेंट तो यही मिशन के साथ हम लोगों ने म्यूजिक रागा शुरू किया डिजिटल एरा में आप कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं आजकल की जो जनरल ऑडियंस है hmm. वो मुझे लगता है उनको बहुत वर्सेटाइल म्यूजिक hmm. या कुछ कुछ जैसे अभी हमने लगभग इन सेवन मंथ्स में नाइन एल्बम्स रिलीज किए हैं ग्रेट फीट या थैंक यू सो मच तो उसमें सारे गाने एंटायरली डिफरेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट जोनर के हमने गाने ट्राई किए उसमें तो इसीलिए बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है मतलब लोगों को डिफरेंट कुछ मिल देखने को मिल रहा है आपको क्या लगता है कि क्लासिकल म्यूजिक कहीं खोया जा रहा है या हमारी यंगर जनरेशन उसके बारे में इतना जानती नहीं और उनको जानना चाहिए यंगर जनरेशन जितना मैं देख रही हूँ दे आर वेरी क्लोज टू म्यूजिक तो म्यूजिक किसी भी फॉर्म में आप उनको परोसा जाता है या वो देखते हैं तो इट इज गुड और वो है तो डिराइव तो वो क्लासिकल म्यूजिक से ही hmm. हुआ है जो बेस है जो बैकबोन है म्यूजिक की वो क्लासिकल है hmm. तो यंगर जनरेशन इज वेरी क्लोज टू म्यूजिक एंड दे आर एंजॉइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट आपको क्या लगता है कि म्यूजिक रागा का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि विद इन हमारा चैनल जो है सेवन मंथ्स पहले हम लोगों ने इसको लॉन्च किया एंड टिल नाउ वी हैव सेवेंटीन मिलियन व्यूअर्स एंड सिक्स हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स हमारे पास हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो लोगों का इतना सपोर्ट और लव हमको मिल रहा है और आपका क्या विजन है म्यूज़िक रागा को लेकर आप, आप कहाँ देखना चाहती हैं इसको दस साल बाद म्यूजिक रागा टैलेंट शो शुरू करना चाह रहे हैं okay. तो उस टैलेंट शो में वही लोग जो जिनको चांस नहीं मिलता एंड दे आर टैलेंटेड तो ऐसे लोगों को हम चांस देना चाह रहे हैं तो वी विल कंडक्ट दैट म्यूजिक रागा टैलेंट शो एंड सेकेंडली एक म्यूजिक रागा स्टूडियो फॉर्म कर रहे हैं हम okay. लोग जो कि अभी चल रहा है उसका डिस्कशन एंड थर्ड इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू स्टार्ट म्यूजिक रागा एवॉर्ड या एंड वी हैव प्रॉपर कमिटी ऑफ मेम्बर्स सो रेगुलर हम लोग के डिस्कशंस होते हैं एंड वी टेक द कंसल्टेसन तो उसमें एक मनीष पवार हैं ही इज़ अ डरेक्टर एंड ऋषिकेश पांडे हैं ही इज़ अ लिरिस्ट एंड अशन एंड एक डी ओ पी हैं अनिकार वर्मा एंड प्रोड्यूसर मनीष अग्रवाल तो एक हमारी कमिटी है जिसमें डिस्कशंस चलते हैं वी आर गोइंग अहेड एंड स्लोली स्लोली वी वॉन्ट टू डू ऑल दिस स्टाफ आपके क्या क्या चैलेंजेस थे टू तो स्टार्ट म्यूजिक आगा सबसे पहले तो वुमेन्स का चैलेंज होता है कि दे हैव टू कीप बैलेंस फैमिली लाइफ एंड एंड योर योर की और मेरे हिसाब से बी लाइक अ वाटर अडप्टेबल एंड काम पेशेंस एंड देन यू हैव टू परस्यू योर एम्बिशंस कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा hmm. आपको एंड देयर शुड बी सम पर्पस ऑफ योर लाइफ तो वो आप जब कंसिस्टेंट काम करेंगे तो चैलेंजेस भी बहुत जल्दी आप ओवरकम बिकॉज आपकी स्ट्रगल्स जो रहेंगी वो वो ही आपको बहुत कुछ सिखाती हैं जैसे आप घर पे सब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप टाइम निकालते हैं mm. बट जब आपकी बात आती है तो यू डोंट हैव टाइम बट वो होता है ना लव योर सेल्फ एंड टेक आवर टाइम फॉर योर सेल्फ और अगर वो टाइम नहीं मिलता तो सेक्रीफाइज योर स्लीप बट डू समथिंग

सोते हुए सपने नहीं देखो ऐसे सपने देखो जो आपको सोने नहीं देता hmm. जैसे फॉर मी मुझे जब टाइम नहीं मिलता था जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं रात में तीन से पाँच बजे रात में उठ के अपना मॉर्निंग रियाज करती थी क्या बात है और उसके बाद जब आप आपको जो आ, मी टाइम मिलता है उसमें यू आ, डू समथिंग जो आपके आ, ड्रीम्स हैं जो आपके एम्बिशंस हैं उनको आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं आप यहाँ पर आए और इस मंच पर गाना ना गाएं ऐसा हो नहीं सकता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद अल्फाज जरूर, जरूर, जरूर। एक डिवोशनल सॉन्ग किया था मैंने उसकी कुछ लाइने सुनाती हूँ आपको तू है मधुर तेरा मुख भी मधुर तुझे देख के सबको मिले सुकुन मेरे सुख दुख में साथ हो तुम मेरी मुस्कान देती है ये सुकून तुझसे नाता जोड़ लिया है तुझसे सब कुछ पा लिया कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो हरे राम बोलो कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा बोलो राधे राधे बोलो हरे राम बोलो कृष्णा कृष्णा बोलो क्या बात है नहीं मधुर आवाज़ है आपकी थैंक यू सो मच लीड्स मी आप क्या एडवाइस देंगे यंगस्टर्स को एक तो सबसे पहली चीज है आपकी जो म्यूजिक है एक कुछ डिफरेंट होना चाहिए उसमें अदर म्यूजिक वर्सेटाइल होना चाहिए आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए हमेशा कंटेंट आपके कुछ ना कुछ यूट्यूब पे पब्लिक को बांधने के लिए ऑडियंस को खींचने के लिए आपके पास होना चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी और वर्सीटैलिटी ये ही यूट्यूब के सक्सेस मंत्रा है मेरे हिसाब से और रियाज और गुरु का क्या महत्व होता है गुरु जो होता है वो आपको सही रास्ता दिखाता है और आपको मंजिल तक पहुंचाता है और जो रियाज है रियाज से आप एवरी डे म्यूजिक में प्रोग्रेस कर सकते हैं रियाज को आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है मतलब जैसे आप खाना खाते हैं जैसे आप सोते हैं उतना ही ज़रूरी रियाज करना है तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी सिंगर्स हैं एवरी डे वो लोग रियाज करें आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी कौन सी कौन सी एल्बम्स रिलीज हुई हैं और आपके साथ कौन से कौन से इंटरनेशनल आर्टिस्ट जुड़े हैं Uh, सबसे पहले हमने पहला एल्बम लॉन्च किया था अगस्त में फोर्टीन अगस्त को जो कि देश का सलाम के नाम से किया था फिर संस्कारी लेडी आया उसके बाद हमने uh, खेलो इंडिया वर्ल्ड कप के टाइम किया था जिसमें मेरे साथ प्रतीक सेजपाल फीचर हुए थे अच्छा और फिर उसके बाद मैं तेरे लिए किया हमने उसमें भी हमारे साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे फिर हमने जॉर्जिया में शूट किए थे दो एल्बम तेरे करीब और तू है ना उसमें भी मेरे साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे और अभी हमने कातिल धुआं अभी जस्ट मेरा लेटेस्ट एल्बम आया अच्छा। है जो कि हमने रसल खेमा में शूट किया है अरे क्या बात है और अभी हमारे तीन एल्बम्स पाइपलाइन में है जो कि अभी अप्रैल में आने वाला है उसमें दुबई के आर्टिस्ट हैं वो आमिल जरा करके उसका है टाइटल और अभी रिसेंटली साइद मालिया सिंगर हैं उनके साथ मेरा एक आ, एल्बम आने वाला है अभी हम लोगों का रिकॉर्डिंग अभी फिनिश हुआ है लास्ट वीक और फिर कातिल धुआँ में भी मेरे साथ संजय मिश्रा हैं उनने वॉइस ओवर किया तो ऐसे धीरे धीरे काफ़ी नॉन फेस और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं थैंक यू सो मच रश्मि जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलेब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में हम आपके जज्बे को सलाम करते हुए आई विश यू लक एंड हम इस मंच पर आपको सम्मानित करना चाहते हैं थैंक यू सो मच न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ नमस्कार स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी